आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं छत के लिए कंप्लीट पाइप फिटिंग किस तरह से की जाती है यहाँ पे हमारा 1000 स्क्वायर फीट का मकान बना हुआ है जिसके लिए यहाँ पे दोस्तों हमें कंप्लीट पाइप फिटिंग करना है तो यहाँ पे आज के स्टूडियो में पूरी फिटिंग जीरो से सीखने वाले हैं किस तरह पाइप फिटिंग की जाती है फिटिंग में हमें क्या क्या सामान लगता है सामान को किस तरह फिट करना होता है दोस्तों ये कंप्लीट फिटिंग आज के स्टूडियो में जीरो से सीखने वाले हैं यहाँ पे दोस्तों हम एक रूम के लिए पाइप फिटिंग करें उसके बाद हम पूरे मकान के लिए आपको पाइप फिटिंग करके बताने वाले हैं यहाँ पे सबसे पहले इस तरह दोस्तों हमारी जो दोनों कॉलम है यहाँ से आपको इसका सेंटर यहाँ पे निकाला है फैन मार्ग से के लिए और यहाँ से इस कॉलम से इस कॉलम का एक शेंटर निकाल के जो रूम का शेंटर आने वाला है यहाँ पे हमने फैन फैनबॉक्स से कनेक्शन किया है उसकी तरफ दोस्तों यहाँ पे हमने चारों तरफ एक लाइट के लिए डब्बी का पॉइंट दिया है आप दो भी दे सकते हैं चार भी दे सकते हैं तो हमने यहाँ पे दोस्तों चार लाइट का डब्बी का कनेक्शन किया है और यहाँ हमारे पास सामान है जो आज हमें फिटिंग में लगने वाला है तो पहले हम सामान देख लेते हैं कि आज हमें फिटिंग में क्या क्या सामान लगने वाला है फिर शामन को किस तरह फिट किया जाएगा वो हम सीखने वाले हैं यहाँ पे हमारे पास फैन बाग् है दोस्तों जो हमें फैन के कनेक्शन की लगने वाला है हमारे भाई डीप बाग से डब्बी है जो हमें एल वगैरह के पॉइंट के लिए हमें यहाँ पे देना होगी ये हमारे पास इलेक्ट्रिक बैंड है जहाँ पे हमें स्विच बोर्ड देना होता है कॉलम खोज के इस तरह हमें बैंड को उतारना होता है ये हमारे पास इलेक्ट्रिक बैंड है और यहाँ पे हमारे पास ये ढक्कन है दोस्तों जहां पर आपका एक्स्ट्रा पॉइंट हो जहाँ पे आपको पॉइंट नहीं आ रहा हो वहाँ पे आप इस तरह लगा के कैप को लगा सकते हैं ताकि हमारे सीमेंट वगैरह इस पॉइंट में ना घुसे और यहाँ पे हमारे पास छत के लिए पाइप है हम जो पाइप फिटिंग कर रहे हैं दोस्तों आपको इस चीज का काफी ध्यान रखना आप जब भी इस तरह पाइप फिटिंग करें तो एच पाइप का यूज करें ये गाड़ी वगैरह चलती है छत में हम सीमेंट के लिए जो गाड़ी चलाते हैं तो यहाँ पे अगर इस तरह से पाइप फिटिंग का कर यूज करेंगे एच पाइप का यूज करेंगे तो आपके पाइप वगैरह नहीं फूटेंगे तो यहाँ पे हम पास देख सकते हैं एच एम एस का पाइप है तो यहाँ पे हमने सामान देख लिया है सामान है क्या क्या लगने वाला है सामान को किस तरह फिट किया जाएगा हम सीखने वाले यहाँ पे रूम के लिए हमने फिटिंग की है अब यहाँ पे दोस्तों हम रूम के लिए आपको फिटिंग पूरी बताने वाले हैं कि इसके में नपती किस तरह करना होती है किस तरह सेंटर निकालना होता है सबसे पहले आपको इस तरह से कॉलम से कॉलम की दूरी नाप लेना है जितनी भी दोस्तों अगर हमारे पास यहाँ पे दस फिट का रूम है तो दस फिट का हमें पाँच फिट कर लेना है यहाँ पे इस तरह आड़ा और खड़ा हमें दोनों इस तरह से सेंटर निकालना होता है देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों हमें पाँच फिट पर रख दिया है फैन बाक्सों को अब यहाँ पे इसकी जो लंबाई आने वाली है हमें लंबाई को भी नापना होगा इस कॉलम से इस कॉलम तक यहाँ पे हमारे जो रूम की लंबाई है दोस्तों बारह फिट है तो बारह फिट का हमें आधा कर लेना है छह फिट कर लेना है इस तरह से तो यहाँ पे हमने दोनों तरफ से इसका रूम का सेंटर निकाल के यहाँ पे फैन बाग को सेंटर में रखा है ताकि हमारे जो रूम की जो हवा है दोस्तों वो पूरे रूम में कवर कर सकें तो यहाँ पे इस तरीके हमें दोनों तरफ नाप लेना है अब यहाँ पे हम जो डब्बी रख रहे हैं दोस्तों इसको ये डब्बी की हम जो नपती कर रहे हैं वो बयालीस इंच कर रहे हैं इस तरह से हमारी दो से फिट इधर और दो फिट उधर चार फीट का टोटल फैन आता है तो यहाँ पे आपको डब्बी को इस तरह से बयालीस इंच पे साढ़े तीन फीट पे रख देना है और चारों डब्बी को आपको एक नाप से रखना है दोस्तों आपको कहीं कम या ज्यादा नहीं करना है इससे क्या होगा नीचे की ओर जो हमारे पॉइंट आएंगे बिल्कुल नतीस से आपको दिखेंगे तो यहाँ पे आप दो का कनेक्शन डब्बी का कनेक्शन भी कर सकते हैं चार डब्बी का कनेक्शन भी कर सकते हैं तो यहाँ पे दोस्तों हमने रूम के लिए चार डेकोरेशन के हिसाब से चार डब्बी का कनेक्शन किया है अब जहां जहां पर भी हमारे डब्बी आने वाली है इस तरह सो फैन बाक्स को पाइप से पूरी लाइन को मिला लेना है इस तरह से तो यहाँ पे हमने जो एक डब्बी का कनेक्शन किया है आपको सभी डब्बी को नाप के रखना है कम या ज्यादा नहीं रखना है तो वरना हमारी जो छब्बी छत खुलेगी दोस्तों तो हमारे नीचे से डब्बी थोड़ी बाकी दिखेगी रॉन्ग दिखेगी तो आपको इस चीज का काफी ध्यान रखना है सभी डब्बी को आपको एक नाप में रखना है तो यहाँ पे इस तरीके से तो हमने दो डब्बी का कनेक्शन कर लिया अब इस तरीके से चारों डब्बी को हमें पॉइंट से मिला लेना है फैन से मिला लेना है और यहाँ पे दोस्तों आगे हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि आपको इसकी मेन लाइन किस तरह मिलाना होती है लाइन को डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड तक किस तरह ले जाना होता है कहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक बैंड उतारना होता है ये भी आगे वीडियो हम बताने वाले हैं तो यहाँ पे देख के हमारा फैन का कनेक्शन हो चुका है और चारों डब्बी के पैन का कनेक्शन भी हो चुका है अब यहाँ पे आगे की ओर हमारे दो रूम का कनेक्शन हो चुका है अब यहाँ पे आगे की ओर दोस्तों हमारा एक हॉल बनने वाला है तो वहां पे टोटल हमारे दो फैन आने वाले हैं यहाँ पे हमारा दो रूम का कनेक्शन हो चुका है अब यहाँ पे दोस्तों हमारा हॉल काफी बड़ा है तो यहां पे मैं दो फैन का कनेक्शन करना होगा तो यहां पे हमने सबसे पहले क्या करा है हम जो रूम का जो लंबाई है दोस्तों वहां पे हमें एक बीच में एक डब्बी को रखा है यहां पे अगर हम फैन रखते तो हमारे जो फैन पूरे रूम को कवर नहीं कर पाता तो यहाँ पे हमने एक डब्बी लगा के इससे दो तरफ दोनों फैनों को रखा है ताकि हमारा जो हॉल है दोस्तों वो दोनों फैन कवर कर सके आपको इस चीज़ का भी काफी ध्यान रखना दोस्तों अगर आपका हॉल बड़ा वगैरह हो तो आपको एक नहीं वहाँ पे दो फैन का कनेक्शन करना होता है यहाँ पे हमने जो बीच में सेंटर के लिए दोस्तों आप झूमर वगैरह के लिए पॉइंट दे सकते हैं तो यहाँ पर हमने दो फैन का कनेक्शन किया है और इसके तरफ दोनों फैन के दो दो डब्बी आइट साइड रखी है हमने यहाँ पे दो डब्बी का कनेक्शन यहाँ पे किया है और उस तरफ जो हमारा फैन आने वाला है यहाँ पर भी मैंने दोनों पॉइंट का कंडीशन किया है टोटल यहाँ पे हमारे पास चार पॉइंट आने वाले हैं और यहाँ पे आप जो सेंटर में पॉइंट देख रहे हैं दोस्तों वहाँ पे हमें झूमर का कंडीशन करना है यहाँ पे हमें हेकड़ी सरिये की बना के एक झूमर के लिए पॉइंट देना होगा तो यहाँ पे देख सकते हैं हमें हॉल के लिए दोस्तों कंडीशन किस तरह किया है अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा यहाँ पे हमारे तीनों रूम का तो हाल का भी कनेक्शन हो चुका है दो रूम का भी कनेक्शन हो चुका है अब यहाँ पे हमें स्विच बोर्ड के लिए लाइन उतारना होगी जहां जहां पर हमें स्विच बोर्ड देना हो हमें फ्रिज के लिए एसी के लिए हमारे जो मेन टीवी के लिए कहाँ पर हमें स्विच बोर्ड आते हैं वहाँ पे हमें कॉलम खोज के नीचे बैंड को उतारना होता है और यही से हमें एक पाइप डाल के जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड आने वाला है वहां पर ले जाना है तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों हमने दोनों रूम की डब्बी को आपस में किस तरह मिला है अब यहाँ पे हमें स्विच बोर्ड को देना होगा नीचे के हमारा एक पॉइंट आने वाला है बोर्ड आने वाला है मेन कनेक्शन आने वाला है तो यहाँ पे इस डब्बी से हमें एक कॉलम खोज के एक बैंड को उतार देना है आपको जहां जहां पर भी पॉइंट देना हो नीचे नक्शे के हिसाब से दोस्तों टीवी के लिए फ्रिज के लिए एसी के लिए मेन स्विच बोर्ड के लिए डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के लिए आपको नक्शे के हिसाब से इसके बैंड को उतारना होता है आपको जो मेन डोर होता है जो मेन गेट होता है आपका जो बेड होता है वहाँ पर हमें मेन स्विच बोर्ड देना होता है रूम का तो वहां पे आपको इस तरीके से नक्शे के हिसाब से जहा जहां पर बेड आने वाले हैं वहां पर आपको उसके बैंड को उतार देना है अब यहाँ पे दोस्तों एक बेड हमें यहाँ पे उतारना होगा क्योंकि यहाँ पे हमारे जो कोने में डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगने वाला है तो यहाँ पे जितनी भी जो हमारे रूम के हाथ सर्किट वायर आने वाले हैं यहाँ पर आने वाले हैं तो पहले इससे पहले हमें यहाँ पे एक डब्बी से इसका कनेक्शन उतार देना और एक आपको मेन कनेक्शन जो हमारे पीछे के रूम बने हुए हॉल बना हुआ है वहाँ से एक मेन पाइप का कनेक्शन भी हमें यहाँ पे लाना होगा ताकि हमारे जिन जितने भी सर्किट वायर है वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में आ सके तो यहाँ पे आपको लगाने के बाद दोस्तों इसको अच्छे से फिट कर देना है आपको कहीं से पाइप को छोटा नहीं करना है तो यहाँ पे हमारी कंप्लीट पाइप फिटिंग हो चुकी है वो आपको समझाते हैं कि हमने पाइप फिटिंग किस तरह की है देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे हमारा जो रूम बना हुआ है उसके लिए हमने यहाँ पे हमारा स्विच बोर्ड आने वाला है तो यहाँ पे हमने दो बैंड का यूज किया है इस तरह से और यहाँ पे हमने सभी बैंडों को आपस में मिलाया इससे क्या होगा अगर आप कॉलम से कॉलम में बैंड को मिलाएंगे तो हमारा जो सर्किट वायर है आप स्विच बोर्ड में काफी आसानी से लुपिंग कर सकते हैं आपको इससे वायर काफी कम लगेगा तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने एक बैंड लगा के एक स्विच बोर्ड यहाँ पे उतारा है दोस्तों बैंड को यहाँ पे उतारा है और यहाँ पे भी आप दो बैंड देख रहे हैं एक हॉल के लिए एक रूम के लिए तो यहाँ पे हमने दो बैंडो को आपस में झीनी में मिला के नीचे को स्विच बोर्ड में लुपिंग कर देना इससे क्या होगा हमारे जो दोनों रूम के सर्किट वायर है हम यहीं पे बोर्ड में लुपिंग कर सकते हैं इससे आपको वायर की काफी बचत होगी हमारे दोनों बैंडो को हमने यहाँ पे पास में उतारा है जितने जितने भी जो रूम के हाफ वगैरह आने वाले सर्किट वायर आने वाले हैं वो यहीं पर आने वाले हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों हमने इस रूम के लिए दोनों बैंड को उतारा यही से एक पाइप हम यहाँ से सीधे पीछे के डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पे ले गए देख सकते हैं यहाँ पे हमने इस पाइप को कहीं पर भी बेंड नहीं उतारा है यही से हमारा मेन जो वायर है यहाँ से आके इस डब्बी से आने वाला है और यही से हमारे जो सामने डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगा हुआ है दोस्तों वहां पे कोरिम वाला डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगने वाला है एमसी बाग से लगने वाला है तो सभी जो रूम के सर्किट वायर है मैं वहां पे ले जाना होगा इस रूम के भी जो वायर है हमारे हम आपको बताते हैं किस तरह हमें ले जाने वाले हैं यहाँ पे जो पीछे के जो हॉल बना हुआ है उसके वायर हमें यहाँ पे आना होंगे और यही से देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे हमारा स्विच बोर्ड आने वाला तो लिए हमने यहाँ पे एक बैंड उतारा है और यही से हमारे मेन वार यहाँ पे आके यहाँ आने वाले है और यही से हमारे वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगने वाला है तो इस तरीके से दोस्तों हमने यहाँ पे कंप्लीट पाइप फिटिंग की है अगर आप इस तरह से और भी पाइप फिटिंग की वीडियो देखना चाहते हो यहाँ पे हमने दोस्तों छत के लिए जो पाइप फिटिंग की है अब यहाँ पे हमें दीवार में पाइप फिटिंग करना होगी झेली करना होगी स्विच बोर्ड को उतारना होगा उसके बाद हमें हाउस वायरिंग करना होगी स्विच प्लेट वायरिंग करना होगी अब यहाँ पे जितने भी इस मकान में इलेक्ट्रिक के काम होने वाले हैं हम सभी पर पूरा वीडियो बनाने वाले हैं दोस्तों अगर आप इस तरह से पूरा वीडियो देखना चाहते हैं कंप्लीट वीडियो इस घर का तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पर देख सकते हैं हम हमने है यहाँ पे जो छत का वीडियो बना है इसके बाद हम दीवार में जो झीरी के पॉइंट आने वाले हैं उसका भी वीडियो बनाएंगे इसमें वायरिंग का भी वीडियो बनाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड वायरिंग का भी वीडियो बनाएंगे अगर आप इस तरह से पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अब